हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फैक्टोरियल फंक्शन यानी क्रम गुणित फलन और डिफरेंस ऑफ जीरो यानी शून्य का अंतर से रिलेटेड ये एक एग्जांपल करने वाले हैं। और इन दोनों के जो फॉर्मूले थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे और उनसे कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। यदि आज इस चैनल पर कोई स्टूडेंट नया हो तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि एस्टेब्लिश द रिक्यूरेंस रिलेशन, पुनरावृत्ति संबंध को सिद्ध कीजिए। डेल की पावर एन और जीरो की पावर एम इक्वल टू एन और इन टू में डेल की पावर एन माइनस वन, जीरो की पावर एम माइनस वन प्लस डेल की पावर एन और जीरो की पावर एम माइनस वन हमको प्रूव करना है। तो यहां पर शून्य के अंतर का एक फॉर्मूला हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, उसी को हम यहां पर काम में लेंगे। देखिए, शून्य के अंतर से, अब शून्य के अंतर में क्या होता है कि n और m जो यहां पर संख्याएं ले रखी है ये दोनों धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ये दोनों धनात्मक संख्या है। तो इनके लिए जो ये फॉर्मूला है डेल की पावर n और जीरो की पावर m, इसके बराबर में हम सिद्ध कर चुके हैं n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m, और इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। अंतिम पद जो इसमें आता है एन सी एन माइनस वन और माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें आप देखिए कि एन माइनस वन आ रहा है, एन माइनस वन और एम माइनस वन, यानी हमको अपनी समीकरण को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि पावर n माइनस वन और m माइनस वन हो जाए। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम कि जो पहली टर्म है n, इसमें से अगर हम n को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर n की पावर m माइनस वन हो जाएगी। इसी तरीके से यहां से n माइनस वन को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये भी m माइनस वन हो जाएगा। इसमें से n माइनस टू को लेंगे तो ये m माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरीके से m पावर को कॉमन लेकर के हम m माइनस वन में चेंज कर सकते हैं और n को कॉमन लेकर के इसकी पावर को m माइनस वन भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, और साथ में हमको ये भी रखना है कि n माइनस वन भी हो तो इस n की जगह पर भी n माइनस वन हमको लाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको n इंटू n की पावर m माइनस वन ये लिख देते हैं पहले पद को। दूसरे पद में एन सी वन का मान एन हो जाएगा और अभी इसको एन माइनस वन इसमें से कॉमन लिया, ये भी हो जाएगा एन माइनस वन की पावर एम माइनस वन प्लस एन सी टू को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और इसमें से एन माइनस टू को हमने बाहर ले लिया, एक अलग कर दिया इसमें से पद, तो ये n माइनस टू की पावर m माइनस वन हो जाएगी और यही क्रम फिर चलता रहेगा। n सी n माइनस वन का मान n होता है और माइनस वन की पावर n माइनस वन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इसके बाद n कॉमन ले लेते हैं हम, जैसा कि हमको सिद्ध करना है उसमें n कॉमन आ रहा है तो इसीलिए हम यहां से n को कॉमन ले रहे हैं। तो n को जब हम कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम लिखते हैं n की पावर m माइनस वन माइनस n माइनस वन इंटू एन माइनस वन की पावर m माइनस वन। यहां से ये n कॉमन में चला गया तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू और n माइनस टू की पावर m माइनस वन प्लस डॉट। यहां से n को हमने कॉमन ले लिया तो माइनस वन की पावर n माइनस वन हमारे पास रह जाएगा। तो ये अभी तक की स्थिति हो गई। अब देखिए जैसे एन सी वन इक्वल टू एन होता है इसी तरीके से n माइनस वन सी वन को अगर हम लेंगे तो वो n माइनस वन हो जाएगा। तो यहां पर जो ये n माइनस वन लिख रहा है इसकी जगह पर हम n माइनस वन सी वन लिखेंगे और n माइनस वन सी टू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं n माइनस वन सी टू तो इसको लिखेंगे n यानी n माइनस वन और फिर आता है n माइनस वन तो ये हो जाएगा n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू। तो ये यहाँ लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू तो वो n माइनस वन सी टू हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे के सभी पदों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए बाहर वाला n एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया n की पावर m माइनस वन माइनस n माइनस वन सी वन हो गया ये और n माइनस वन की पावर m माइनस वन प्लस ये वाली जो टर्म है ये यहां से यहां तक इसको हम n माइनस वन सी टू लिखेंगे n माइनस वन सी टू और n माइनस टू की पावर m माइनस वन हो जाएगा प्लस डॉट डॉट और अंतिम पद माइनस वन की पावर n माइनस वन ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे कि पावर m की तो m माइनस वन हो गई लेकिन यहां पर जो आधार में n लिख रहा है इस n को भी n माइनस वन में हमको चेंज करना है। तो n माइनस वन इसमें तभी होगा जब हम इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो ऐसा हमको प्रत्येक पद में करना पड़ेगा ताकि सभी जगह पर n माइनस वन एन माइनस वन की टर्म आती जाए। तो देखिए n ऐसा का ऐसा ही इसमें हमने ये एक जोड़ा n में और एक घटा दिया तो ये स्थिति हो जाएगी m माइनस वन एन माइनस वन सी वन ऐसा का ऐसा ही। इसमें भी एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं तो ये जोड़ा हुआ एक प्लस n और एक घटाएंगे तो माइनस का टू हो जाएगा इसकी पावर m माइनस वन हो गई प्लस n माइनस वन सी टू इसमें भी एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस तीन एम माइनस वन इसकी पावर हो गई और प्लस डॉट डॉट। आखिरी पद को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा ये प्रश्न ऐसा का ऐसा ही सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसको अब हम शिफ्ट संकारक के रूप में चेंज करेंगे। यहां पर एक जो लिखा हुआ है इस एक को हम फलन मान लेते हैं और n माइनस वन को e की पावर पे हम रख देंगे जैसे e की पावर n माइनस वन और फलन है वन। तो इसका क्या मतलब होता है कि फलन में जितनी पावर है उतना जोड़ना है तो वन में जब हम n माइनस वन जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला पद आ जाएगा। तो केवल वन को छोड़ते हुए बाकी पदों को e की पावर पे रख के हम इसको शिफ्ट संकारक में बदल सकते हैं। तो यहां पर हम पहले पद को लिख सकते हैं अब e की पावर n माइनस वन और इसमें वन रह गया तो वन की पावर m माइनस वन माइनस n माइनस वन सी वन यहां से e की पावर n माइनस टू हो जाएगी ये वाला पद और वन रह जाएगा तो वन की पावर m माइनस वन आ जाएगा प्लस इसी तरीके से यहां पर n माइनस वन सी टू है और e की पावर यहां पर n माइनस तीन हो जाएगी और वन की पावर m माइनस वन रह जाएगी और इसी तरीके से फिर आगे के पद चलते रहेंगे। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। यहां प्रत्येक पद में से माइनस वन
1 की पावर m माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो प्रत्येक पद में से इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा n e की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 e की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस e की पावर n माइनस 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये पद आगे चलते रहेंगे और इसमें से हमने 1 की पावर m माइनस 1 को कॉमन ले लिया। अब देखिए ये जो कोष्टक में पद लिखे हुए हैं ये एक प्रसार बन रहा है और ये प्रसार बन रहा है e माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का। लास्ट पद के अंदर देखिए लास्ट पद में माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आना है जो वही आ रहा है। तो ये कोष्टक के अंदर जो पद लिखा हुआ है इसका प्रसार है ये 1 प्लस एक्स की पावर n से जब हम e माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का प्रसार करेंगे तो यही आ जाएगा। और साथ में हमारे पास चल रहा है 1 की पावर m माइनस 1। अब इसके बाद हमें मालूम है e बराबर 1 प्लस डेल होता है तो यहां से e माइनस 1 बराबर डेल हो जाएगा। तो ये दोनों मान हम यहां रख सकते हैं, इसकी जगह हम डेल रख देते हैं तो ये हो जाएगा डेल की पावर n माइनस 1। और यहां पर 1 की पावर m माइनस 1 है तो 1 को हम 0 में चेंज कर लेते हैं शून्य के अंतर के लिए, तो 1 की जगह अगर हम 0 कर देंगे तो हम उसको e की पावर 1 के साथ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर 0 को अगर हम फलन मानते हैं तो e की पावर 1 का मतलब है 1 0 में जुड़ जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर m माइनस 1 वाली स्थिति ऊपर वाली अपने आप आ जाएगी। तो ये 1 को हमने लिख दिया e की पावर 1 और 0, e की जगह पर फिर हम यहां पर 1 प्लस डेल लिखेंगे तो ये हो गया n डेल की पावर n माइनस 1 और e की जगह पर फिर से 1 प्लस डेल और यहां रह जाएगा 0 की पावर m माइनस 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी सबके। अब बाहर का जो पद हमारे पास लिखे हुए डेल की पावर n माइनस 1 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा n डेल की पावर n माइनस 1 को 1 से इंटू किया तो डेल की पावर n माइनस 1 प्लस डेल से इंटू करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, डेल की पावर n रह जाएगा और 0 की पावर m माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। 0 की पावर m माइनस 1 को भी अब अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा n डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n और 0 की पावर m माइनस 1। तो ये वो प्रतिबंध आ गया जो हमको सिद्ध करना था, यानी डेल की पावर n और 0 की पावर m इक्वल टू हमने प्रूव किया है n डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n और 0 की पावर m माइनस 1। तो यही हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था जो हमने सिद्ध किया है शून्य के अंतर से और परिमित अंतर कलन वाले सूत्र से, क्रम गुणित फलन की घात के सूत्र से। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए तो मैं आपको दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी विद्यार्थी को मेरे इस चैनल पर कुछ समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।